दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे खतरनाक टूरिस्ट प्लेस मौजूद है जहां जाना किसी भी टूरिस्ट के लिए मौत के मुंह में जाने के बराबर माना जाता है, जहां हर एक कदम पर खतरे का सामना करना होता है। और आज हम आपको बताएंगे दुनिया के कुछ ऐसे ही डेंजरस जगहों के बारे में जहां हर वक्त मौत सिर पर मंडराती रहती है। नंबर एक, माउंट वॉशिंगटन। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट में समुद्र से 6288 फीट ऊंचाई पर मौजूद ये बर्फीली पहाड़ियां देखने में तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन ये अपने आप में बेहद ही खतरनाक है। और जो चीज इस जगह को सबसे खतरनाक बनाती है वो है यहाँ का मौसम। जी हाँ, यहाँ पर रहना तो दूर की बात है, आप यहाँ पर ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। 12 अप्रैल 1936 को यहाँ के सबसे तेज हवाएं रिकॉर्ड की गई थी, जो 372 किलोमीटर पर आवर्स की थी। इस बर्फीली पहाड़ी पर हर साल हजारों सैलानी इन तेज हवाओं से मुकाबला करने आते हैं। साल 1849 के बाद से यहाँ 137 मौतें हुई है। माउंट वॉशिंगटन का तापमान पूरे -40 डिग्री तक गिर जाता है, और इसीलिए यहाँ आने वाले लोगों की अगर हाइपोथर्मिया के कारण मौत हो जाती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर दो, किराया बोल्टन। दो पहाड़ियों के बीच में अटके हुए इस पत्थर पर हर साल हजारों लोग सेल्फी लेते हैं। आपको बता दें कि ये पत्थर 984 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है और दो पहाड़ों के बीच लटका हुआ है, और इसकी यही खासियत है जिसकी वजह से एडवेंचर करने वाले लोगों के लिए ये फेवरेट स्पॉट है। मतलब कि दुनिया भर के कुछ सरफिरे लोग इस पत्थर पर सेल्फी लेने आते हैं। हालांकि इस पत्थर पर खड़ा होना काफी डरावना दिखाई पड़ता है और ये खतरनाक भी है, लेकिन यहां से आसपास का नजारा बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ता है। नंबर तीन, न्यू स्पिर्मा बीच। दोस्तों, ये बीच दुनिया के 10 सबसे खतरनाक बीच में से एक है, और फ्लोरिडा ये बीच खूबसूरती से ज्यादा खतरनाक होने से मशहूर है। इस बीच पर बहुत सारे शार्क पाई जाती है, और दुनिया भर के कुछ खतरों के खिलाड़ी इस शार्क के साथ स्विमिंग करने के लिए फ्लोरिडा आते हैं। इस बीच को शार्क के हमलों का गढ़ भी माना जाता है। इस बीच पर अब तक 300 से भी ज्यादा लोगों को शार्क हमले के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठे, मगर फिर भी एडवेंचर के शौकीन लोग इस बीच पर आने से पीछे नहीं हटते। आपको बता दें कि 2007 में दुनिया भर में 112 शार्क हमले दर्ज किए गए थे, जिसमें से 17 और दुनिया के लगभग 15% हमले इसी बीच पर हुए हैं। इस बीच पर पानी में काली नोक, स्पिनर और बेल शार्क पाई जाती है, और इस बीच को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी द शार्क कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जगह मिली है। नंबर चार, व्हाइट लाइन सेडोना साइकिलिंग। दोस्तों, क्या आप कभी किसी सीधे ढलान वाली पहाड़ पर साइकिल चला सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि इससे आपकी जान भी जा सकती है। अमेरिका के एरिजोना शहर में व्हाइट लाइन सेडोना पहाड़, जहां दुनिया भर से कुछ सिरफिरे लोग साइकिलिंग का मजा लेने आते हैं, क्योंकि उनके नजदीक दुनिया के खतरनाक पहाड़ पर मौत का ये खेल अलग ही मजा देता है। नंबर पांच, स्वर्ग की सीढ़ी। दोस्तों, अमेरिका के हवाई राज्य में एक जगह है वैल्यू ऑफ हैकू, जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है। यहाँ 4000 स्टेप की एक सीढ़ी है जो स्वर्ग की सीढ़ी के नाम से मशहूर है। इस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए हर साल सैकड़ों लोग आते हैं। ये सीढ़ी इतनी बड़ी है कि इससे आप 2500 फीट से भी ऊपर जा सकते हो। हालांकि इस पर चलना गैर कानूनी है, फिर भी सैकड़ों लोग इन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए आते हैं। इन सीढ़ियों की सबसे खतरनाक बात पहाड़ की चोटी पर मौजूद ये झूला है, जिस पर किसी भी तरह की सेफ्टी बेल्ट मौजूद नहीं है, और टूरिस्ट इस मौत के झूले पर बेहद दिलचस्पी के साथ झूलते हैं। नंबर 6, विलारी का ज्वालामुखी। दोस्तों, एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाम पर आप सभी ने पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग और इस तरह की एक्टिविटीज की होगी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप अपने एडवेंचर की गाड़ी को थोड़ा ऊपर ले जाएं। दोस्तों, चिली में मौजूद विलारी का ज्वालामुखी में दुनिया की सबसे खतरनाक बंजी जंपिंग होती है। ये बंजी जंपिंग एडवेंचर लवर्स के लिए पसंदीदा हाइकिंग डेस्टिनेशन है। जो लोग भी ये बंजी जंपिंग करना चाहते हैं, वो लोग इस झील के ऊपर मौजूद हेलीकॉप्टर से बंजी जंपिंग करके इस एक्टिविटी का मजा ले सकते हैं। नंबर 7, मोंटे पियाना।
दोस्तों, जिंदगी और ट्रैवलिंग दोनों ही जुनून का नाम है और इसीलिए ट्रैवलर हमेशा जुनून को फॉलो करते हैं और मोंटे पियाना पर हमें टूरिस्टों के लिए इसी ही पागलपन का नजारा दिखता है। दरअसल मोंटे पियाना इटली का 2324 मीटर लंबा पहाड़ है जहां हर साल अमाउंट रेनबो सीजन मनाया जाता है। इसमें दो पहाड़ों को लोहे की एक केबल से कनेक्ट किया जाता है और इस केबल पर दुनिया के कुछ खतरनाक टूरिस्ट जिन्हें खतरों से खेलने की आदत होती है वह यहां पैराशूट पर झूला लगाकर नाइट स्टे करते हैं। नंबर 8, कोलोराडो रिवर राफ्टिंग। दोस्तों, सैकड़ों फीट ऊंचाई वाली चट्टानों के बीच बहती नदी में राफ्टिंग का अनुभव किसी को भी रोमांचित कर सकता है, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि हमें उन कुदरती चीजों से पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन एडवेंचर के शौकीन लोग मौत से आंख मिचोली खेलना पसंद करते हैं और इसी तरह की कोलोराडो रिवर है जो दुनिया के खतरनाक राफ्टिंग में से एक है, क्योंकि इस नदी की लहरें हमेशा गुस्से में ही रहती है और इसी खतरनाक लहरों से दो हाथ करने को कुछ टूरिस्ट कोलोराडो रिवर की सैर करते हैं। 1998 से 2018 तक इस रिवर में लगभग 135 लोग राफ्टिंग में डूब कर अपनी जान से हाथ धो बैठे, तो वहीं हजारों लोग घायल हो चुके। नंबर 9, क्लिफ हैंगिंग टेंट। दोस्तों, कैंपिंग करना किसे नहीं पसंद, लेकिन क्या आपने क्लिफ हैंगिंग टेंट कैंपिंग के बारे में सुना है? ये एडवेंचर की दुनिया में एक नई चीज है जिसका अनुभव हर कोई करना चाहता है। दोस्तों, क्लिफ हैंगिंग कैंपिंग कुछ फौलादी टूरिस्ट ही कर पाते हैं। इस कैंपिंग में सीधे गड़े पहाड़ के बीच में टेंट लगाना होता है। धरती से सैकड़ों या हजारों फीट की ऊंचाई पर टूरिस्ट बीच पहाड़ में कैंप लगाते हैं और रात गुजारते हैं। हम आपको बता दें कि ये कैंपिंग इतना खतरनाक है कि इस कैंपिंग से हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो देते हैं। नंबर 10, योनामाई नेशनल पार्क। तो दोस्तों, इस जगह पर अब तक 318 मिलियन लोग आ चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस नेशनल पार्क में ऐसा क्या खास है जो लोग इतना यहाँ आते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस नेशनल पार्क में वाटरफॉल, नेचर से कनेक्टिविटी की तो कई चीजें हैं, लेकिन सबसे रोमांचक है यहाँ मौजूद ऊंचे ऊंचे पत्थर जो इस नेशनल पार्क को और अधिक आकर्षक बनाते हैं, जिसकी वजह से इतने टूरिस्ट यहाँ आते हैं कि इन पत्थरों पर लाखों की तादाद में टूरिस्ट चढ़ते हैं और एडवेंचर का मजा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं होता है जितना आपको लग रहा है। इस चढ़ाई में कितने ही टूरिस्टों ने भी अपनी जान गंवाई है। तो दोस्तों, ये थे वो टूरिस्ट प्लेस जिन्हें देखते ही आपकी सांस अटक सकती है। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और ऐसे ही और भी हमारे वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।